what do you mean by yaar mera titliyan var gayi, such a bad song. And I said no. I think when I went to college, even then I thought you could have a kid when you kiss. So that far away in my life. I have had some of the worst things to say about how much I went through just in that 3 years period. आप 2 बजे की बात कर रहे हो, मैं आपको दोपहर के 12 बजे की बात बता सकती हूँ नॉर्थ कैंपस में. वी टुक द फर्स्ट लेन इन एंड बाय द टाइम वी वर रनिंग हम 2 गाड़ियों के बीच में फंस गए एंड द बाइक केम एंड स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अस. दे आर लाइक बैठो. आई नेवर लाइक द म्यूजिक दैट आई एम डूइंग. ही सेंट मी द सॉन्ग. आई एम लाइक इतना गंदा गाना. आई एम लाइक ये गाना कौन सुनेगा, हम क्यों शूट करें. मैंने कहा चल छोड़ सरगुन, दिस बैंक पर्सन गिव द हाउस. दे आर लाइक मैम ये इन्वेस्टमेंट की बात करनी थी, ये करना था. ऐसे ना बताइए क्या करना है. जैक आप सर को बुला देंगी, मतलब मैं बाकी दुनिया में सब कर सकती हूँ बट ये नहीं समझ सकती कि आप ऐसा ही भी क्या बताएंगे, ऐसा तो क्या ही बता रहे हैं आप मुझे. मर तो रोमांस है ही नहीं पता है. शो पे मिले, अच्छे लगे, डेट हुआ, माँ बाप ने कहा शादी कर लो, शादी कर ली. हाई आई एम सरगुन मेहता एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन हॉट फ्लाई. ये देखिए जी, सरगुन मेहता को ले आए हैं हम लोग मेल फेमिनिस्ट पे. क्या हाल है आपके? बहुत सही, कूल. आपको कभी बचपन में लोगों ने सरगुन संपन्न ऐसे टाइप का टीज नहीं किया? इसमें टीज करने वाली बात नहीं, मेरे नाम का मतलब है. वो तो है. या नहीं, मतलब लोगों को बताने की जरूरत भी होती है ना. या लाइक आई वाजंट टीज विद इट, आई वाज टेकिंग अ लॉट ऑफ प्राइड इन इट. क्या बात है. ये बताओ चंडीगढ़ में पलना बढ़ना कैसा था? वाज दिस कि हमें हमारे पहले गेस्ट आ चुकी हैं, वो बोल के गई हैं कि यार उनकी जिंदगी में कलकत्ता में पूरी कॉलोनी जैसे आपका पालन पोषण देखती है, तो ऐसा था क्या आपके जीवन में भी? नो, जैसे लाइक नॉर्मल, माँ बाप घर, नॉर्मल वाला परिवार. तो रिस्ट्रिक्शंस होते थे, इतने बजे तक आ सकती हो, इतने बजे तक बाहर रहना है? हाँ, ऑफ कोर्स, दोस बेसिक रिस्ट्रिक्शंस तो हमेशा से थे कि इतने बजे आना है. कितने बजे का था? मतलब 8-9 बजे, डिपेंडिंग ट्यूशन के 1 घंटे बाद. ये रिस्ट्रिक्शंस से ज्यादा मुझे जो समझना होता है हमेशा वो ये है कि कभी चलते हुए रास्ते पे आपको किसी ने कैट कॉल किया या? जस्ट टू मेनी टाइम्स, देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस दैट अगर मैं आपको अभी बताना शुरू करूंगी तो हमें महीने लग जाएंगे. और चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ में कम, दिल्ली में बहुत ज्यादा. 3 years आई डिड माय यूनिवर्सिटी डिग्री इन नॉर्थ कैंपस. आई हैव हैड सम ऑफ द वर्स्ट थिंग्स टू से अबाउट हाउ मच आई वेंट थ्रू जस्ट इन दैट 3 years period. Like Delhi in itself, that's the one place जहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा unsafe feel हुआ. Like I used to literally carry blades, safety pins were there on my kada, like at all times. What do you say? Like a pepper spray. I used to be like laden with stuff. तब हमारी metro नई शुरू हुई थी, when I think I was in my second year. They used to allow girls with all of that because there is no other way you travel in a place like Delhi. And we used to do theater. तो theater shows करने के लिए हम north campus से south जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वापस आते हुए. The auto wallas were actually sometimes saviors because if I'm sitting in an auto coming from one place to the other, there would always be a gaadi or a bike with really terrible men catcalling you, and the auto guy would slow down, change the route, take you faster. The auto guys have been very nice with me, but not the classy good men in cars. आप हमसे पूछते हैं हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ये जानना होता है कि कब कोई एक महिला मिल जाए हमको जो बोले कि नहीं हुआ यार मेरे साथ. नहीं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, और दिल्ली में तो कतई ही नहीं हो पाएगा. नहीं, हम लोगों ने 2 AM स्टोरीज किया दिल्ली में, एक IP हमारी, रात को 2 बजे एक्सप्लोर करते हैं शहर, और भाई वहां तो मतलब बंटा डारी हो गया. आप 2 बजे की बात कर रहे हो, मैं आपको दोपहर के 12 बजे की बात बता सकती हूँ नॉर्थ कैंपस में. वेल लिटरली मी एंड माई बेस्ट फ्रेंड वी वर वॉकिंग बैक फ्रॉम अ इट्स द मोस्ट क्राउडेड मार्केट एंड वी लिटरली गॉट आवर मैकडोनल्ड्स. And किसी ने हमें पीछे से किसी ने कोई आवाज दी and I thought they called our name. So I looked back thinking कि maybe कोई college का friend है, and I just looked back and I looked front and I said shit, I think we got it wrong. And we were literally like, that's our hostel and we had to take just 2 lanes पीछे, 5 minutes walk yeah from the hostel. We took the first lane in and by the time we were running, हम 2 गाड़ियों के बीच में फंस गए and the bike came and stopped in front of us. They're like बैठो and I just stood like that. They kept, I think 5-6 minutes. I kept searching for my pepper spray. I had it all ready in my hand. I held her hand. I said, don't react. That's it. Just keep standing. Din dahade khade hum log. Koi na koi, koi gaadi, koi bike to aayegi. And it came. Aap kyu lagta hai ki ye ready thi? Matlab bare din mein do mahilayein aapke saath bike pe aane ke liye kyu ready hongi? Bhai, aap ye kya entitlement leke ghoom rahe ho? That it's just a mental thing. I have literally pulled people off bikes after a point of time. Pakad ke niche girana. I've done all of that. Because after a point of time, you're like, I can't do this. बस you can't just like say whatever you want to say. तो आपके हिसाब से scene create करना चाहिए.
अगर कोई ऐसे बकवास कर रहा है 100-200% अगर आप सीन नहीं क्रिएट करोगे दैट पर्सन इफ ही डजंट गेट अ चांस विद यू ही विल डू इट टू 10 अदर वुमेन टिल ही लिटरली गेट्स वन ऑफ देम मेंटल सो प्लीज यहां पर नीचे हम लोगों ने हेल्पलाइन के कुछ नंबर्स डाल दिए हैं ताकि आप लोग रेफर कर सको बट थिएटर पे आते हैं थोड़ा सा थिएटर वाला जो जब जुनून चढ़ा था परिवार को मनाने में कितना प्रयत्न या उनको पता था कि आप करेंगी कुछ नहीं बिल्कुल भी नहीं माय फैमिली वाज ऑलवेज लाइक डू व्हाट यू वांट टू डू एंड जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गई आई वाज लैकिंग बाय लाइक अ परसेंट और सो आई ट्राइड टू गेट थ्रू एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कोटा एंड आई ट्राइड डांस एवरीवेयर थिंकिंग दैट आई कैन डांस वेल बट आई डिडंट गेट इट And then I got through theater. They had some 11 elimination rounds. I got through. I was like, okay, अब यही दुनिया. Let's just do it. आप जब आई बॉम्बे तब कास्टिंग का कोई आपको किस्सा ऐसा याद हो क्योंकि कास्टिंग के कई व्यक्ति बहुत रूथलेस हुआ करते थे अभी भी हैं तो आपको कुछ याद हो जो आप शेयर करना चाहोगी आई थिंक बिफोर ओनली लाइक द मिनट दे कम क्लोजर इनफ टू give a hint of casting couch I give it off so I'm somebody but aapke sath aisa hua matlab aisa ek bar I was auditioning for one of these films so somebody tried to come in लाइक ड्रेप ठीक करने की कोशिश करी चुन्नी की है ना बंदा कि नहीं हाँ कि वो ना एक मिनट ऐसे एक मिनट नहीं वहाँ खड़े होके बोलिए तो दे गेट इट ऑफ दे गेट इट आई फील दैट वेन यू आर गोइंग फॉर अ कास्टिंग और वेन यू आर गोइंग फॉर एनीथिंग डोंट फील लाइक इफ यू शो देम दैट यू रियली वॉन्ट डू इट एंड यू विल डू एनीथिंग टू डू इट वो फायदा उठाएंगे गो इन द सेंस एंड स्पेस ऑफ योर हेड थिंकिंग हुआ तो बहुत अच्छा नहीं हुआ तो कोई और सही तो आप और रवि जब प्रोडक्शन हाउस की बात करते हो या यू नो व्हेन यू आर आउट इन द मार्केट कभी ऐसा हुआ आपने देखा कि रवि की तरफ देख के अलग बात हो रही है और वेंडर्स आपकी तरफ नहीं रिएक्ट कर रहे हैं आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और उनको रिएक्शन जा रहा है दिस हैज हैपेंड अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड दिस हैपेंड वंस दिस बैंक पर्सन केम टू अवर हाउस एंड वी जस्ट स्टार्टेड द प्रोडक्शन हाउस सो आई एम लाइक ये आप खुलवा दीजिए दे लाइक मैम ये इन्वेस्टमेंट की बात करनी थी ये करना था ऐसे ना बताइए क्या करना है लाइक आप सर को बुला देंगे मैंने कहा सर बिजी हैं बट आप मुझे बताइए ना क्या करना है नहीं मैम वो ये है ना वो SIP ये वो तो आप सर को बुला देंगे आई सेड ओके वन मिनट आई सेड रवि देन रवि केम आउटसाइड एंड दे आर लाइक सर वो बात करनी थी सर रवि सर किस बारे में कह रहे SIP कह रहे ये सब मैं नहीं देखता सर वो करना बात आई एम लाइक मतलब मैं बाकी दुनिया में सब कर सकती हूँ बट ये नहीं समझ सकती कि आप SIP क्या बताएंगे ऐसा तो क्या ही बता रहे हैं आप मुझे सो देन आई वाज लाइक शिट इट बट या सही है एनी अदर टाइम जब आपको पे पैरिटी दिखी और आपको लड़ना पड़ा अपने पे के लिए यार ये पे पैरिटी वाला जो जोन है ना Honestly, I think it is a very skill based thing. ये आप लड़का लड़की पे अप्लाई नहीं कर सकते I don't think that anybody is trying to say that somebody should get a lesser amount of money. I can definitely tell you that today if an Alia Bhatt is standing with somebody and she deserves more money, no matter the gender, she will get it. Yeah. And so will a Deepika Padukone. And so many more. In our industry at least, it is about the number of people you can call in. Yeah. Just by having your name on the poster. And if you have that draw more than the hero, you take the money. So I'm saying that we have to decide where to use that term properly. Huh, if you are at the same level, there are times that I have, when you want to establish that pay parity, then fight for it. So, and I do it. Yeah, of course. Where I think I deserve more, I fight for it. Where I feel ki nahi yaar, uski wajah se ek certain amount aa raha hai when you are sitting in the back chair now that we are a producer we sell we understand to hame samajh mein aata hai ki acha ye bolne se itna paisa aata hai matlab iska paisa hai so when you understand the math of it then you will understand jab dating zindagi chalu hui to were you the kind who would be like ki main pehla kadam uthaungi I didn't care too much but I think with Ravi we were both at the same pace kisi ne ek ne pehla kadam nahi uthaya before Ravi it was always the guys who were chasing me so yeah it was fun I mean, be the queen you want to be. Yeah. There is no like, feminism doesn't mean that you can't stop like having chase happen. Oh, no. Yeah. You can be a male and want the chase to happen. Correct. Men do that all the time. Correct. Yeah. भाव खाते हैं. They are really good at it, you know. They are better than the women. Yes. आप लोगों की romance की कहानी चर्चित है. तो मतलब आपको कुछ शेयर करना है हमारा तो रोमांस है ही नहीं पता है मतलब फ्रेंडशिप वाला रोमांस हाँ मतलब बेसिक शो पे मिले अच्छे लगे डेट हुआ माँ बाप ने कहा शादी कर ली लाइक वेरी बेसिक दोनों ने डिस्कस करा दो घरों के बिल देते हैं दो घरों का इलेक्ट्रिसिटी का बिल दो घरों का पानी का बिल एक ही घर में रहते हैं ना बेस्ट शादी कर लेते sorted. बच्चों का प्रेशर नहीं है आप लोगों को नो आवर पेरेंट्स आर वेरी अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट देयर इज अ लॉट टू डू एंड देयर इज अ लॉट दैट गेट्स इन द वे एंड आई फील दैट वी हैव टू गेट टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ योर ड्रीम टू देन फील सैटिस्फाइड टू हैव टू से कि ओके वी आर रेडी टू स्टेप इनटू द नेक्स्ट फेज ऑफ आवर लाइफ नहीं मेरे को तो ये भी लगता है यार आप लोगों का डिसीजन है वो दो व्यक्तियों का डिसीजन है बाहर का पब्लिक कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उसको गो बैक टू द फर्स्ट लाइन एवरी टाइम
पूरी दुनिया बेवकूफ है। मैं गाड़ी चलाता हूँ वैसे सोच के कि बाकी सब मेरे को अकेले को पता है। आप चलाते हो गाड़ी? या आई लव ड्राइविंग। आई ड्रोव फ्रॉम मुंबई टू चंडीगढ़। नाउ दिस आल्सो पीपल विल बी लाइक तू कैसे चला सकती है, एंड रवि सैट ऑन द साइड। आई लव ड्राइविंग। आई डिड लेट रवि ड्राइव। कहां कहां रुके आप लोग? वी ओनली स्टॉप वंस एट जयपुर। रियली? या वी डिड लाइक अ वन स्टॉप थिंग। ओह माय गॉड, आई हैव डन मुंबई टू दिल्ली। लेट मी टेल यू गाइस दिस, जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, मुंबई टू जयपुर इज अ 16 आवर मिनिमम। एंड वी हैड अपार शक्ति एंड हिज वाइफ आल्सो इन द कार विद अस, ऑल फोर ऑफ अस। ओह माय गॉड, सो देन यू हैड रेडियो। अपार डजंट टॉक, डजंट स्टॉप टॉकिंग ओनली, बट इमेजिन आई वाज आल्सो इन द कार, सो देयर वर टाइम्स दैट इवन अपार हैड टू स्टॉप। एनीवे, पर्सनल स्पेस की बात करते हुए, आप और रवि एक दूसरे के साथ कितना अपना पर्सनल स्पेस की बात करते हो और कितना दे पाते हो? हम लोग काम की वजह से दूरी इतने रहते हैं कि जब हम साथ होते हैं वी आर नॉट लुकिंग फॉर पर्सनल स्पेस, वी आर लुकिंग फॉर ईच अदर स्पेस। नाइस। मतलब पर्सनल स्पेस कभी ऐसा हो सकता है कि कोई काम कर रहे हो या कुछ टाइप कर रहे हो, हमने कहा शोर मत करो, उधर जाके बैठो, दैट्स द ओनली टाइम। यार ये बताओ, हम लोग थोड़ा फिर पीछे जाते हैं काम से पहले की बात, जो पीरियड टॉक था वो किसने करके दिया आपको? स्कूल में कोई आया था टू लाइक डू लाइक अ प्रॉपर सेशन, बट बंदों को अलग करके बंदियों को अलग करके करते हैं। आप इन अ गर्ल्स स्कूल? ओ, यू आर इन अ गर्ल्स स्कूल। या मुझे तो लगता है ये गर्ल्स स्कूल और बॉयज स्कूल नहीं होना चाहिए। हां ना, द कोइड स्कूल इज एक्चुअली द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन दैट यू गेट। हमारे यहां पे इन गर्ल्स स्कूल, बाय द टाइम आई वाज इन 12th, आई थिंक ऑल गर्ल्स हाफ द टाइम वर स्टैंडिंग ऑन द विंडो सेइंग वो आ गया, देखो वो आ गया। यू हैव नेवर स्पोकन टू मेन, सो इवन द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू कॉलेज आई वाज लाइक ये कैसे बोल रहा है, ये कैसे कर रहा है, ये ऐसे कैसे बात कर रहा है, बिकॉज़ आई हैव नेवर बीन लाइक एक्सपोज्ड टू हैविंग देम इन अ फ्रेंडली स्पेस। थोड़े से वी आर अ लिटिल मोर मेस्ड अप फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स व्हेनेवर वी गो इनटू अ लाइक अ कोएड स्पेस। बट ये बताओ फिर जस्ट डेटिंग या प्लेजर की बात फिर कहां से समझ में आ रही थी, क्योंकि मर्दों की काफी सारी उसकी समझ पॉर्न से ही आ रही होती है। करेक्ट। मेरी तो कोई समझ नहीं थी, मुझे कोई समझ ही नहीं थी। I was a very random kid. But तो फिर generally pleasure की समझ आप अपने आप ही trial and error से सीखते हो। Yeah, like really late in my life. Like I think when I went to college, even then I thought you could have a kid when you kiss. So that far away in my life. ये मिसकंसेप्शन है, सेक्स एजुकेशन डंकी होती तो मतलब आपके स्लोनेस का कोई है ही नहीं यार इसमें, बट हमको कैसे पता चलेगा ना, बेसिक बायोलॉजी भी नहीं पता थी मुझे तो, आई वाज सो बैड। तो आपने फिर अपने पार्टनर्स के साथ ही बात करके जनरली अपना प्लेजर अभिव्यक्त किया? या, एंड दैट इज समथिंग दैट यू आर ओपन अबाउट टॉकिंग? या, लाइक विद योर पार्टनर ऑफ कोर्स यू शुड बी वेरी ओपन टू टॉक अबाउट एनीथिंग, बिकॉज इफ यू आर नॉट देन इट जस्ट मेक्स इट वेरी ऑकवर्ड टू सॉर्ट ऑफ मैनूवर लाइफ। या, यू आर राइट। आपके हिसाब से लेकिन रवि का सबसे मस्त ग्रीन फ्लैग क्या है? कल ही हमने कहीं इंटरव्यू करा एंड somebody said that green flag नहीं है, entire tropical forest, and I completely agree with it. He is not somebody who keeps you on your toes. He is not somebody who like not care for you, be kind. Like he gets very affected. Like COVID में if I was making the food, he's like I'm gonna do the dishes. You can't do all the work. If I had pick up the mop to clean the house, he'd pick up the mop to clean half the house. He understands it's being done for the house and for us. Healthy, not, egalitarian. Yeah, he is not saying कि ये इसलिए कर रही क्योंकि औरत है. From the work point of view, the decisions which are to be taken by me, which are handed to me, no matter whether it's finance, whether it's tax, he will never interfere. Super. In our house, it's about who's better at what. It's not about what the society thinks he can do or I can do. Perfect. It's about just who's good at what. और general जिंदगी में आपके हिसाब से red flags क्या है? अरे आजकल तो घूमते फिरते लड़के red flag ही नहीं है. I think सिर्फ red flag लड़के नहीं, लड़कियां भी हैं. Like they're both red flags. We are in a time, this millennial, Gen Z, whatever term you just said, is because hum log swipe karte hue, our attention time, I remember sitting with somebody at the Reels and the TikTok people, and they said the attention time span is 4 seconds. So those 3 seconds also describe how much attention you want to pay to your partner, to your boyfriend, to somebody you're invested in. Because the idea that you can swipe up is very normal now. So what you do is, अरे यार कल रात को उसने मेरा पूरी रात फोन नहीं उठाया, swipe right. अगला वाला, you know, face value पे आप judge कर रहे हो ना किसी को, is that all the human being is for you? Yeah, I mean also relationships are not made with 5 good qualities and 5 bad ones. They are made with 99 bad ones and just 1 good one. And then you find out what you love about in that person in that all black area. And then you find out a life together. And then you evolve and then you figure out. I think I had a lot of red flags. Ravi had a lot of red flags. And we both turned around our red flags to green flags. Yeah. We were together. We gave each other the time to do so. Super. But क्या है? आपने एक जैसे बताया कि भाई just you know not being fully there or listening in to somebody is one big red flag for sure. और कुछ?
that come to your mind? I don't know. I think they talk about their own partners to a lot of people, which I think is the biggest red flag. ये जो आपके गाने इंस्टाग्राम पे फट रहे हैं, इनका कितना आनंद आता है आपको? बहुत आनंद आता है. एंड फ्रैंकली हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था. लाइक वी वर एक्सपेक्टिंग द सॉन्ग टू डू वेल ऑफ कोर्स, बट लाइक दिस वेल तो वी आर ऑल्सो शॉक्ड. एंड पीपल हु थॉट दैट वी कुडंट हैव ओपन द म्यूजिक लेबल सिंस वी आर बोथ नॉट सिंगर्स आर मोर शॉक्ड. या ऑफ कोर्स, या कुडोस टू दैट यार. सर यू सेड यार दे सेड योर वॉइस इज एक्स वाई जेड बट आई डिड इट एनीवे. ये जो मैं कर दी क्योंकि मेरे को फर्क नहीं पड़ा, ये एटीट्यूड कहाँ से आया? आई थिंक दिस एटीट्यूड केम फ्रॉम माई पेरेंट्स ऑल्सो, एंड देन टू मेंटेन इट केम फ्रॉम रवि. एंड आई थिंक यू हैव टू एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट बिलीव दैट सब बेवकूफ है, यू आर द ओनली स्मार्ट वन. दिस वॉज द वर्स्ट एटीट्यूड टू हैव अ फ्यू ईयर्स बैक, बट आई एम सेइंग दिस माइट जस्ट बी द ओनली एटीट्यूड यू कैन सर्वाइव विद इन टुडेज टाइम. यू डोंट नो माई जर्नी, यू डोंट नो माई स्ट्रगल, यू डोंट नो माई पोटेंशियल. तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ एंड व्हाट डू आई डू बिहाइंड सीन, सो यू विल नेवर बी एबल टू नो व्हाट आई कैन डू एंड व्हाट आई कांट. ये बताओ फिर आपके तीन काम जो आपके फेवरेट हो और आपके तीन काम जो लोग सबसे ज्यादा सराहते हैं. आई थिंक मेरे तीन काम, देयर इज अ फिल्म कॉल्ड मो जो पंजाबी फिल्म. कहाँ देख सकता हूँ मैं? कहीं पे भी नहीं, हमने ओटीटी पे भी नहीं दी. इट वाज अ फिल्म दैट रिलीज्ड इन थिएटर्स एंड इट डिडंट डू अ वेरी ग्रेट बॉक्स ऑफिस, बट आई एम 100% श्योर दैट इफ यू एवर सी द फिल्म यू विल बी लाइक नो आई कांट टेल यू हाउ गुड दिस इज. रियली अगर आप मोह में से किसी ने की मोह देखी है तो प्लीज मेरे को कमेंट. हां आई थिंक द सेकंड मोस्ट थिंग दैट आई एम प्राउड ऑफ इज द फर्स्ट फिल्म दैट आई डिड इन पंजाब कॉल्ड अंग्रेज, बिकॉज आई फेल्ट दैट दैट वाज अ डिसीजन दैट नॉट अ लॉट ऑफ पीपल वुड हैव टेकन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. दैट टाइम इट वाजंट अ बिग थिंग टू बी इन दैट काइंड ऑफ सिनेमा. And Kismat, there's another film in Punjab which you can watch on Netflix and it's a great film. What जिसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा लोग सहराते हैं is for my music videos. हाँ क्या? Which I do only out of चलो कर लेते हैं एक दिन का तो काम. I never liked the music that I'm doing. When I did the song Kismat, which is such a big hit, I didn't know that what song was it. Ammi just called me saying Sargun मेरा एक गाना करना है and I said okay मैं आ जाऊँगी. I didn't even ask him what song. He sent me the song. I'm like, इतना गंदा गाना. I'm like, ये गाना कौन सुनेगा? हम क्यों शूट करें? मैंने कहा चल छोड़ सरगुन. And the song came out and people are like, oh my god, किस्मत. And you know, I've never downloaded it. I've never heard that song. I've only heard it when people play it. After that, even when I did तितलियां, which was the biggest hit, it has some 4.7 billion views on other people's pages also. And I heard the song in the car and I'm like, ये क्या गाना है? इसको कौन सुनेगा जानी? What do you mean by यार मेरा तितलियां वर्गा? It's such a bad song. And I said no. Then he called me saying, sir, come please. मेरा dream project. I cannot believe you. मेरा passion project है. Please कर ले. I said, ठीक है जानी, if you want, I'll do it. I literally did it like that. I couldn't believe it when the song went off. But काम के बारे में बताओ, एक्साइटिंग चीजें क्या आने वाली हैं? सो वी हैव प्रोड्यूस्ड अ फिल्म जिसमें मैं एक्ट भी कर रही हूं, जटनू चुड़ैल टकरी, आई एम द चुड़ैल. यस, यू हैव सीन दैट रील जहां पर ये चुड़ैल बोल के चालू करती है अपना yeah. सब कुछ. सो इट्स कमिंग ऑन द 15th ऑफ मार्च, सो फिंगर्स क्रॉस्ड एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड. वी जस्ट ओपनड द ड्रीमियाथा म्यूजिक लेबल. यस, सो वी आर हैविंग सम मोर सॉन्ग्स कम अंडर दैट. सुपर यार, मेरी प्रोड्यूसर ने बहुत अच्छा इनसाइट पाया कि आप गुफी, टॉमबॉयश, या यू नो मुफट हो या खुली हो, तो ये कभी किसी ने आपको टोन डाउन करने को बोला? नेवर. वेरी कूल यार, गुड. या टू योर परिवार, टू योर एक्सटेंडेड परिवार, कूडोस. एंड आई वाज अ वेरी बिग टीवी बफ, ओके? सो एवरी टाइम मेरे पापा मुझे डांटते थे, यू नो व्हाट आई यूज्ड टू सिंग, बाबुल की ये गुड़िया घर की लक्ष्मी बेटिया. दैट टाइम इट वाज अ शो का ओएसटी एंड आई यूज्ड टू लव इट. या आई वाज अ बिट लाइक ओवर द टॉप always, and my mom's also very over the top. We are both very over, we're dramatic people. I think that's a personality type and completely is a cool type to be. Yeah, like the only time when somebody tries to tone me down is when Ravi tells me when I'm talking about other people, also called gossiping in another language. Yeah, yeah. Very loudly in public places, and I'm not really like gossiping, it's like a very normal thing, you know, like are yaar wo flani film hai, and I'm like I hate that actor bro yaar, jaane ka man hi nahi karta, you know how it, like normal topic, when a random person sees it, it's an audience saying it, now yeah, they can put a face artist. To it. Yeah, yeah. So they'll be like Sargun was saying so and so about so and so, and I'm like you're right, but then how do I say it? Isko dheere kehne ka matlab nahi, mujhe to pasand hi nahi. It's so fun. Yeah. मुझे तो पसंद ही नहीं है. It's so much more fun. 100%. That's the only time he tries to tone me down. No, but like इतना जोर से हंसने का क्योंकि ये ladylike नहीं है, या ऐसे बैठने का, ऐसी सब कभी कुछ बात आई? Definitely no. आधी तो मेरे पास खुद ही थी जब मैं दिल्ली, when I joined theater, so लड़के बहुत गाली देते थे, and I didn't realize like I'd come from a place in Chandigarh where like my friends would be like लड़की घर में तो गाली दे रहा है. Then I came to Delhi University and I was in my college and everybody was doing it, and I'm like
the first few months. Then I wanted to leave. I thought I was between ill-mannered people and I wasn't okay with it, thinking that ye conversations to ladkon ke saath nahi hoti hain. Like, why are we discussing them here in this open forum? And then Keval, who's like a theater teacher, who's everything to KMC players. I think he's the first person who was a part of my evolution as such. And I realized that it is okay. Then there were places where we had an improvisation, Gal Yoga. As an artist, you have to be able to deliver any kind of performance. Yeah. You know, I'd broken that barrier of how a certain, like the femininity and everything about it, while I was doing theatre. And there also, he was very particular. Like, pehle jab main gayi, toh we used to clean the auditorium ourselves, the props. Yeah, hum sab karte hain. So I would stand on the side jab cooler uth raha hai, and he looked at me and he said, koi khas reason ki aap yahan khadi hai? I'm like, main chote wale utha dun. So he removed the boys and said, sab sari ladkiyan jaake cooler uthao. Bahut sahi. He's like, aisa nahi ki tum utha nahi sakti ho. I'm not saying ki jo do ladke kar rahe hain, woh tum do ladkiyan karo. I'm saying, chhe kar lo. But don't say ki woh karenge. There was no girls boy. That is truly feminism. There is no like other like माँ झंडा गाड़ ask जो है आप ये समझ लेंगे तो आपका काम mostly हो जाएगा. अगर आप अपने 16 साल की self को एक message दे पाती तो वो आपका camera क्या बोलना चाहेंगी? Love you girl, you did so right. That's it. Yeah. I love the confidence that came with as well. Yeah. आपका शाहरुख सर के साथ काम करने का जो thought है वो भी मेरे को काफी viable लगता है, काफी सही लगता है. ये किधर से आया? बचपन से. I think I started to act because of Shahrukh Khan and I always just wanted to romance him. I don't want to ever like Ravi's like आज Shahrukh Khan shoot पे आ रहा है, just come. I'm like no. I said he'll forget me and it'll really pain me. Only and only the day I meet him will be the day I work with him. Otherwise, well. Thank you so much for being on the Male Feminist. Are you a hugger? No. Okay, bye. This is me, Siddharth Alamai, signing off on the Male Feminist. Yeah, subscribe जरूर कर लीजिएगा. और ये जो मैं पूछता हूँ इसका मजाक उड़ाते हैं. But I think it's perfect to always ask. If somebody doesn't like it, then they don't like it. Bye.